Namaste. Myself, Dr. Umesh, और आज के वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. आप सभी स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के साथ आज अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स टू द कहते हैं कि नियर बाय 40 मिनट्स वी विल डिस्कस अबाउट एडमिशन इन इंडिया एंड अब्रॉड, स्पेशली कोर्स MBBS. So MBBS India and abroad. और उसकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ आने वाले कुछ क्षणों तक. और उसके लिए मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आपका फोन जो है आसपास के माहौल में जरा साइलेंट माहौल में जाइएगा और काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाली है. आप सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑफकोर्स नीट एग्जाम दे चुके हैं. आंसर की जो है वो नीट की आ चुकी है कल. आप सबने अपने मार्क्स डिसाइड कर चुके होंगे. काफी स्टूडेंट्स को एक्सेप्टेड जो मार्क्स होंगे उससे ज्यादा मार्क्स आने आ रहे होंगे या फिर कुछ स्टूडेंट्स मायूस भी हो रहे होंगे. बट यू नो नीड टू वरी इफ यू वॉन्ट टू बिकम MBBS डॉक्टर. अगर आप MBBS डॉक्टर बनना चाहते हैं तो वो आपका ड्रीम इस वेबिनार को कंप्लीटली सुनने से देखने से डेफिनेटली फुलफिल हो सकता है. So, आप सभी जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स लाइव मुझे देख रहे हैं उन सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अभी कुछ सेकंड्स के बाद मैं स्क्रीन शेयर करूंगा. इसमें आपको प्रेजेंटेशन के ऊपर बातचीत होगी. सो उस प्रेजेंटेशन के ऊपर आप कोई भी मार्क्स मत लगाइएगा. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो वी हैव अ व्हाट्सएप नंबर में आप सभी के साथ शेयर करूंगा. एंड वो व्हाट्सएप नंबर के बेस पे आप कोई भी अपने क्वेश्चंस भेजेंगे तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा कि आई विल आंसर योर क्वेश्चंस. सो प्लीज रिक्वेस्ट यू ऑल पूरा सेमिनार पूरा वेबिनार जो है वो आप अच्छे से घर पे बैठ के या फिर जहां पे भी है आराम से बुक और पेन नोटपैड लेके आप अच्छे से सुनिए जानिए ताकि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर पाऊं. सो आज का हमारा जो वेबिनार है उसका टॉपिक है MBBS इन इंडिया एंड अब्रॉड. तो आप सभी जो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स लाइव जुड़े हुए हैं वेबिनार में उन सभी का कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है MBBS स्टडी करना. और ज्यादातर जो बायोलॉजी ग्रुप के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका इंटरेस्ट यही होता है कि आफ्टर नीट आफ्टर 12th नीट एग्जाम के बाद उनको किसी भी तरीके से एडमिशन मिले MBBS में, चाहे अपने स्टेट में हो चाहे वो अब्रॉड में हो. बट देर आर सम प्रॉब्लम, उनके पास कुछ इंफॉर्मेशन नहीं होती है और उस वजह से शायद डिसीजन नहीं ले पाते हैं. लास्ट संडे भी हमारा एक सेमिनार था MBBS अब्रॉड. आप में से काफी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स उसमें जुड़े होंगे और अगले संडे भी नए टॉपिक के साथ हम वेबिनार में जुड़ेंगे. आइए तो स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है उसके बारे में डिटेल डिस्कशन. और अगेन स्क्रीन शेयर करूं उससे पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आफ्टर शेयरिंग द स्क्रीन यानी कि प्रेजेंटेशन आप में से काफी स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से भी जुड़े हैं बट वो जो स्क्रीन होती है ना उसके ऊपर प्लीज मार्क मत लगाइएगा ताकि सभी को प्रॉपर वे में ये जो स्क्रीन होती है वो देख पाए प्रेजेंटेशन देख पाए. सो अगेन आप सभी का हार्दिक स्वागत है omeducon के इस वेबिनार में. और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है MBBS इन इंडिया एंड अब्रॉड. प्लीज अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऐसे लोगों जो यहाँ पे मार्क्स बना रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना मोबाइल कंट्रोल में रखें और उस मोबाइल को साइड में रख दे ताकि ऐसे जो मार्क्स बन जाते हैं और प्रेजेंटेशन खराब होती है. सो रिक्वेस्ट यू अगेन अगर आपको मन नहीं है तो आप एग्जिट ले सकते हैं. इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. और प्लीज रिक्वेस्ट यू अगेन मुझे ये स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी. ओके लेट्स स्टार्ट द सेमिनार. सबसे पहले हम बात करेंगे MBBS इन इंडिया. देखिए MBBS इंडिया अगर आपको MBBS स्टडी करनी है इंडिया में तो मिनिमम मार्क्स कुछ होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट होती है
उसके पहले बारे में बात कर लेते कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप 70 इयर्स ओल्ड होने चाहिए 31 दिसंबर ऑफ 2020, यानी आपके 17 साल खत्म हो तो ही आप एमबीबीएस में स्टडी कर सकते हैं। दूसरा 11th 12th बायोलॉजी ग्रुप के साथ, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ आपने स्टडी की होनी चाहिए। आपका जो बोर्ड है या तो आपका स्टेट बोर्ड होना चाहिए, सेंट्रल बोर्ड या इंटरनेशनल बोर्ड, ये तीन बोर्ड से आपने स्टडी की होनी चाहिए। नीट एग्जाम आपने अपीयर की होनी चाहिए और उसमें एलिजिबल मार्क्स चाहिए, यानी कि 50% परसेंटाइल मार्क्स होने चाहिए। दिस आर द बेसिक क्राइटेरिया फॉर एमबीबीएस एंड डेंटल इन ऑल ओवर इंडिया। ये मिनिमम क्राइटेरिया है जो मैंने आपको बताया। सो अगेन मैं रिपीट करता हूँ, मिनिमम जो क्राइटेरिया है उसमें 17 साल आपके होने चाहिए। दूसरी क्राइटेरिया ये है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों के मिला के आपके 50% फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी थियोरी प्रैक्टिकल दोनों के मिला के मिनिमम 50% ओपन कैटेगरी के लिए, एससी एसटी कैटेगरी के लिए जो है वो 40% होने चाहिए। और नीट क्वालिफाइड मार्क्स, इस साल क्वालिफाइड मार्क्स जो है वो अप्रोक्सीमेटली 130 to 135 रहेगा। सो एज पर दैट आपको मिनिमम मार्क्स होने चाहिए तो ही आप जो है वो अपना कहते ना कि फिलअप कर सकते हैं फॉर्म। अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा महाशय को कि प्लीज स्टॉप ऑल दिस थिंग, बिकॉज आप बाहर निकल सकते हैं, शायद ये कोई एजेंट भी हो सकते हैं। मैं अपनी टीम को करूंगा कि प्लीज ऐसे लोगों को बाहर निकाला जाए, डिलीट किया जाए। प्लीज बंद करें ये चीज जो कर रहे हैं वो बंद करें, वरना आप दूसरे लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो बात कर रहे हैं एमबीबीएस इंडिया की, ये बात की हमने मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स, मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए कि आप एडमिशन इंडिया में या तो फिर एब्रोड में ले सकते हैं, जिसके बारे में हमने बात की। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट कि इस साल नीट एग्जाम 1,57,000 यानी कि आप कह सकते 16 लाख अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट्स ने ऑल ओवर इंडिया से इस एग्जाम को दिया है, नीट एग्जाम को दिया है। एंड लास्ट ईयर की बात करूं 2019 की, तो अप्रोक्सीमेटली 14 लाख स्टूडेंट्स नीट एग्जाम दिया था। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि इस साल स्टूडेंट्स ज्यादा है नीट एग्जाम में, नीट एग्जाम में अपीयर हुआ है बावजूद कोरोना था एंड ऑल द प्रॉब्लम्स थी फिर भी। और लास्ट ईयर की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 8 लाख स्टूडेंट जो है वो क्वालिफाइड मार्क्स मिला था, और बाकी सारे जो स्टूडेंट्स है 14 लाख में से वो फेल हुए, तो ऑलमोस्ट 60% रिजल्ट था। तो आप समझ सकते हैं कि इस साल अगर 16 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं तो अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 लाख स्टूडेंट्स जो है वो एलिजिबल नीट एग्जाम में हो गए। कल आंसर की आपको मिल गई होगी और आपको पता चल गया होगा कि आपको कितने मार्क्स इस एग्जाम में, नीट एग्जाम में आने वाले हैं। बात करते हैं एमबीबीएस की कॉलेजेस कितनी हैं इंडिया में और टोटल नंबर्स ऑफ सीट्स कितनी हैं। तो टोटल नंबर्स ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस है 260 इन इंडिया, 260। गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें टोटल सीट जो है 76,928 है। तो आप समझ लीजिए कि 8 लाख स्टूडेंट जो है वो ऑल ओवर इंडिया में से पास होने वाले हैं। टोटल अपीयर हुए थे अप्रोक्सीमेटली आपने अगली वाली साइड में देखा 16 लाख। सो उनके सामने सिर्फ जो है एमबीबीएस की सीट का टोटल काउंट किया जाए दस ओनली 76,900 या फिर कह सकते हैं 77,000। सो इसलिए काफी स्टूडेंट्स एब्रोड भी जाते हैं, कुछ स्टूडेंट जो डेंटल में एडमिशन ले लेते हैं, कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो कोई और कोर्स लाइक आयुर्वेदिक में ले लेते हैं, कुछ स्टूडेंट जो है वो ड्रॉप भी लेना चाहते होते हैं। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं एमबीबीएस की टोटल कॉलेजेस प्राइवेट में 260 है, डेंटल में 263, सीटें 35,000 है प्राइवेट में और डेंटल में 23,260। टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया में एमबीबीएस की 532 है और उसकी सीट आप देख रहे हैं 76,928। सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम विद द सीट, यानी कि आपको अगर थोड़े से कम मार्क्स आए और गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रही या फिर एमबीबीएस की सीट नहीं मिल रही है तो आपको मायूस नहीं होना चाहिए कि ट्राई टू अंडरस्टैंड 8 लाख अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट्स क्वालिफाइड मार्क्स मिलेंगे, पास हो गए नीट एग्जाम में, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 76,928 स्टूडेंट्स को इंडिया में एडमिशन मिलेगा। एंड दैट्स व्हाई टुडेज टॉपिक इज
MBBS in India and abroad. तो आगे बात करते हैं कि NEET 2020 का कट ऑफ इस साल कितना रहने वाला है. सो अप्रोक्सीमेटली 135 मार्क्स जो है वो ओपन कैटेगरी के लिए रहेगा और बाकी सभी कैटेगरीज के लिए नियर बाय 110 मार्क्स. अगर आप स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट देखेंगे, लास्ट ईयर्स के कट ऑफ देखेंगे, चाहे वो गुजरात हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, तो अप्रोक्सीमेटली 20-25 मार्क्स मेरिट हाई जाने वाला. वो मेरिट हाई क्यों जाने वाला है? बिकॉज ऑफ नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो इस साल अप्रोक्सीमेटली 2 लाख ज्यादा है. सो 1 लाख स्टूडेंट्स उसमें से ज्यादा क्वालिफाइड होने वाले. लास्ट ईयर 7,90,000 क्वालिफाइड हुए थे, तो इस साल 1 लाख ज्यादा स्टूडेंट्स क्वालिफाइड हो गए और इस वजह से इस साल का जो मैक्सिमम कट ऑफ मीन्स लास्ट नंबर ऑफ लास्ट सीट जो MBBS की फुलफिल होती है कैटेगरी वाइज इन इंडिया, उसकी बात कर रहा हूँ. सो वो नियर बाय 20-25 मार्क्स हाई होने वाला है. थोड़ी सी प्राइमरी इंफॉर्मेशन आपको बता दूं, शायद हो सकता है कि आपके पास वो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हो, लेकिन MBBS की जो सीटें होती है उसका कैसे सारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है. देखिए, आपने नीट एग्जाम आप दे चुके हो, आंसर की कल आ चुकी है, NTA जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट है उसके ऊपर अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके अपने मार्क्स चेक कर सकते हो. दूसरी बात यह है कि नियर बाय 12th अक्टूबर बताया जा रहा है, 12th अक्टूबर के आसपास रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा. क्वाइट लेट है, लेकिन वी कांट डू एनीथिंग, नीड टू वेट. सो 12th अक्टूबर के आसपास रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, लेकिन अगर आप आंसर की देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने मार्क्स आने वाले हैं. और एज पर दैट यू कैन डिसाइड कि भाई आपको गवर्नमेंट सीट मिलेगी या सेल्फ फाइनेंस या फिर मैनेजमेंट, या फिर कह सकते हैं कि भाई आपको अब्रॉड जाना है या इंडिया में एडमिशन करना है या फिर कोई और कोर्स या कुछ भी. राइट नाउ यू कैन टेक द डिसीजन ऑन द बेस ऑफ आंसर की. सो आप सभी को मैं एक प्राइमरी इंफॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ कि आफ्टर रिजल्ट क्या होता है. आफ्टर रिजल्ट फर्स्ट स्टेज आता है, वो है एक मेरिट लिस्ट डिक्लेयर किया जाता है ऑल ओवर इंडिया का, और वो कौन सी वेबसाइट पे वो भी आगे बताऊंगा मैं. और वो मेरिट लिस्ट में आपका नंबर कहाँ पे है, अगर मोर देन 70,000 है तो यू शुड अंडरस्टैंड कि आपके पूरे भारत देश में कहीं भी नंबर आने वाला नहीं है. फॉर एग्जाम्पल उसके बाद ऑल इंडिया लेवल की एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होती है और उसकी भी इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ. उस ऑल इंडिया लेवल की प्रोसेस जो होती है कंप्लीटली ऑनलाइन होती है, हर साल की तरह इस साल भी ऑनलाइन ही होगी. वो 3 स्टेज में होती है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड. वो जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद स्टेट लेवल एडमिशन स्टार्ट होता है. टोटल सीटें मैंने बताई आपको पूरे भारत देश में अप्रोक्सीमेटली 76,000 है. उसमें से जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होती है उसमें 15% सीट ऑल इंडिया कोटा के लिए होती है और 85% यानी कि कोई भी कॉलेजेस होती है तो उसमें 100 out of 15 सीटें ऑल इंडिया कोटा में जाती है. बाकी की जो सीटें होती है वो अपने स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए होती है और फीस हर स्टेट की मेडिकल काउंसिल ऑफ हर स्टेट का नाम लिख दीजिए. फॉर एग्जांपल गुजरात से बिलोंग कर रहे हैं आप तो मेडिकल काउंसिल ऑफ गुजरात टाइप कीजिए गूगल में, उसकी वेबसाइट आ जाएगी. दूसरा, एडमिशन कमिटी फॉर मेडिकल एडमिशन गुजरात, एडमिशन कमिटी फॉर मेडिकल एडमिशन इन महाराष्ट्र. तो ऑन द स्पॉट आपके सामने वो वेबसाइट आएगी और उस वेबसाइट के ऊपर कॉलेज लिस्ट, नंबर्स ऑफ सीट्स, फीस कितनी है उस कॉलेजेस की, टोटल सीट्स कितनी है वहां पे, गवर्नमेंट की कितनी है, मैनेजमेंट, कब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, कट ऑफ लास्ट ईयर्स के कितने थे, आपकी कैटेगरी ओपन ओबीसी एससी एसटी जो भी कैटेगरीज है एज पर दैट लास्ट ईयर का मेरिट कितना था, दैट यू कैन चेक और आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कहाँ पे एडमिशन मिल सकता है. और मैं अभी जस्ट एग्जांपल एक शेयर करने जा रहा हूँ. सो मैंने ये बताया कि नीट एग्जाम के बाद आंसर की आ चुकी है, फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा नियर बाय 12th अक्टूबर, फिर उसके बाद ऑल इंडिया कोटा का एक मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगा, फिर उसके बाद 3 राउंड खत्म होते हैं 9 डेज में. आफ्टर दैट स्टेट कोटा जो होता है, स्टेट की एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, वो 10 से 15 दिन तक चलती है और उस स्टेट कोटा में 85% सीट जो है वो अपने स्टूडेंट्स को दी जाती है. 3 राउंड के बाद लास्ट नेक्स्ट स्टेज आता है, वो ऑफलाइन राउंड, यानी कि जितनी भी सीटें बची होती है वो सीटें प्राइवेट यूजुअली कॉलेजेस जो होती है जिनकी फीस बहुत ज्यादा हाई है,
जैसे हाईएस्ट फीस जो इंडिया में है वो है 24 लाख रुपीज पर ईयर, और लोएस्ट फीस जो है वो 6,000 रुपीज पर ईयर, और वो है गवर्नमेंट सीट वो, और दूसरी वाली जो ने जो हाईएस्ट वाली बताई वो मैंने प्राइवेट कॉलेजेस की है। तो यू कैन अंडरस्टैंड नाउ कि सबसे पहले होता है ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट का मेरिट लिस्ट, फिर स्टेट लेवल का एडमिशन, एंड देन जो सीटें बचती है वो जाती है डायरेक्टली टू द कॉलेज, उनको परमिशन दी जाती है, उनकी एडवर्टाइजमेंट होती है, और वो सीटें जो है वो फर्स्ट मेरिट बेस एक बनता है और वैसे दी जाती है। तो लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स। यहाँ पे आपको एमबीबीएस डेंटल आयुर्वेदिक होम्योपैथिक दिखाई दे रहे कोर्सेस, यहाँ पे टोटल सीट्स गुजरात में कितनी है और वो कोटा वाइज अगर कितनी कितनी है वो सारी चीजें लिखी हुई है, उसका फी स्टैंडर्ड कितना है वो भी लिखा हुआ, जनरल कैटेगरीज में अगर आप है तो उसका टोटल सीट कितनी मिलती है उस कैटेगरी को, और उसका लास्ट ईयर कट ऑफ 2019 में कितना था वो आप देख रहे हैं, एससी बीसी कैटेगरी एससी एनएसटी। तो ये टेबल एक है जो फेसबुक पे हमारे जो पेज है omeducon.pvt.ltd, omeducon लिखेंगे तो भी आ जाएगा, और वहां पे ये अवेलेबल है, ये पेज टेबल अवेलेबल है, इट्स अ लास्ट कट ऑफ 2019 की, यानी ओपन कैटेगरी का लास्ट कट ऑफ था 526, तो इस साल 22-25 मार्क्स हाई जाने वाला है एमबीबीएस, सो यू कैन अंडरस्टैंड, और आप अपने मार्क्स कंपेरिजन कर सकते हो, और यू कैन फाइंड आउट कि भी आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा या नहीं। दूसरा यह है कि एज पर योर कैटेगरी, ऑफकोर्स एज पर योर कैटेगरी, एंड ऑल द कोर्सेज की सारी इंफॉर्मेशन वहां पे अवेलेबल है, इसका ऑलरेडी एक सेमिनार हो चुका है और सभी कोर्सेज की मैंने उसमें इंफॉर्मेशन दी थी, एंड दैट वीडियो इज अवेलेबल ऑन अवर यूट्यूब चैनल, तो यूट्यूब चैनल पे जाके आप अच्छे से उसके बारे में देख सकते हैं। दिस आर द कट ऑफ स्पेशली फॉर द गुजरात, और ऐसे ही सारे कट ऑफ जो अदर स्टेट से स्टूडेंट जुड़े हैं वो अपनी एडमिशन कमिटी की वेबसाइट पे जाके ये चेक कर सकते हैं। सो ओपन कैटेगरी एस सी बी सी एस सी एस टी, और यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज है, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है, 2018 का कट ऑफ देखिए, एमबीबीएस की बात हो रही है, एमबीबीएस 19 का और 20 का कितना रहेगा इस साल। ओपन कैटेगरी यू कैन सी कि 551-526 लास्ट और 473 थी, और सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस का फीस ज्यादा होती है, इसलिए फॉर एग्जांपल मेरे 400 मार्क्स है बट मेरे पास इतनी फीस पे करने के लिए वो नहीं है, सो मैं लेफ्ट कर दूंगा वो कोर्स। तो दिस इज द लिस्ट ऑफ द कट ऑफ। देन कॉलेज लिस्ट मैंने बताया कि हर स्टेट की एडमिशन कमिटी की वेबसाइट पे जितनी भी एमबीबीएस कॉलेजेस है उस कॉलेजेस के नाम, उसकी टाइप, यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइजेशन, टोटल ऑल इंडिया कोटा में कितनी सीट जाती है, मैनेजमेंट कोटा की कितनी सीटें है, एनआरआई सीटें कितनी है, टोटल सीटें कितनी हुई, एंड उसकी फीस कितना है, एवरीथिंग इज अवेलेबल, सो वहां से आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये आपको बता दूं कि mcc.nic.in जो होता है उस पर रजिस्ट्रेशन होगा, ये ऑल इंडिया कोटा यानी कि आफ्टर रिजल्ट फर्स्ट मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगा बाय व्हाट, बाय फॉर ऑल इंडिया कोटा, यानी कि सबसे पहले जो बात होगी वो है ऑल इंडिया कोटा के लिए होगी, वहां का मेरिट लिस्ट होगा, फिर उसके बाद आप इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, ऑफकोर्स सभी करवाएंगे जब आपका मेरिट लिस्ट में 80,000 के अंदर नाम होगा, फिर फीस पेमेंट करेंगे, चॉइस फिलिंग होगी और उसकी एडवर्टाइजमेंट भी इस तरीके से आएगी वेबसाइट पे, फर्स्ट राउंड होगा, सेकंड राउंड एंड मॉपअप राउंड, यानी ये जो बात है वो 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए बात हो रही है, ठीक है। और ये सारी प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन होती है, कैसे होती है ऑनलाइन। देन उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है वो होता है स्टेट कोटा, यानी यहाँ पे ऑफिशियली डिक्लेयर होती है, फिर उसके बाद स्टेट वाइज हर एक स्टेट अपना मेरिट लिस्ट डिक्लेयर करता है, और मेरिट लिस्ट डिक्लेयर करने के बाद नेक्स्ट आता है वो है फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड, और फिर उसके बाद वो होता है ऑफलाइन राउंड, यानी कि जो सीटें बची होती है वो दी जाती है प्राइवेट कॉलेजेस को, अथॉरिटी दी जाती है कि भाई आप अपनी तरफ से फुलफिल करो। अभी क्वेश्चन इज दैट कि दो रास्ते होते हैं, नंबर वन एक आपके अच्छे मार्क्स आए और आपको अपने स्टेट में ऑन द बेस ऑफ मेरिट लिस्ट एडमिशन मिल जाए, दूसरा रास्ता होता है जो मैंने लिस्ट में बताया वो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। इंडिया में बहुत सारी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जिसका लिस्ट अवेलेबल है, आप हमें व्हाट्सअप कीजिएगा मैं आपको भेज दूंगा।
उनका स्टेट वाइज काउंसलिंग में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो. नंबर वन यानी कि गुजरात के स्टूडेंट्स महाराष्ट्र के एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स कर्नाटक एडमिशन प्रोसेस में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कर्नाटक के स्टूडेंट्स राजस्थान के एडमिशन प्रोसेस में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. और उसके लिए फॉर्म बनना होता है, जैसे गुजरात हो या कोई भी स्टेट हो अपना एक ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट करती है और उसमें फॉर्म भर सकते हैं और वहां पे मिलने के कुछ चांसेस होते हैं. सो दिस इज द वन वे टू गेट एडमिशन इन एमबीबीएस. एमबीबीएस में एडमिशन दूसरे राज्यों में लेने का एक ये वे है, दूसरे काउंसलिंग थ्रू. सेकेंड वे है ऑन द बेस ऑफ डायरेक्ट इंस्टीट्यूट. जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जैसे राजस्थान में गीतांजलि हो गई, जेएनयू हो गया, पैसिफिक हो गया, फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में डीवाई पाटिल, भारतीय विद्यापीठ पुणे, कृष्णा कराड, प्राइवेट इंस्टीट्यूट का लिस्ट दैट्स अवेलेबल ऑन द एमसीआई इंडिया वेबसाइट. एक्सेप्ट दैट हमारे पास भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है प्राइवेट इंस्टीट्यूट का लिस्ट. और वो जो लिस्ट होता है उस जो कॉलेज होती है वो कॉलेज जो है वो ऑन द बेस ऑफ हाई लेवल फीस वो आपको वो सीट देती है. फॉर एग्जाम्पल कुछ कॉलेजेस है जिनकी फीस 17 लाख है, 18 लाख पर ईयर है, कुछ कॉलेजेस की फीस 15 लाख, 14 लाख है. तो वो फीस उन राज्य के लोग नहीं पे कर पाते, तो यू कैन गो टू देम और आप वो सीट ब्लॉक करवा सकते हैं अपने लिए. बट हाँ, कंडीशन इज दैट कि एलिजिबल मार्क्स नीट में चाहिए. नंबर वन 50% मिनिमम रिक्वायरमेंट कहाँ पे, किसमें 50% रिक्वायर्ड इन आपके जो मार्क्स होते हैं वो थियरी एंड प्रैक्टिकल दोनों के मिला के 12th में होने चाहिए. और चाहे आप किसी भी स्टेट के स्टूडेंट्स हो तो वहां पे आप एडमिशन ले सकते हो, यानी कि अदर स्टेट में आप एडमिशन प्राइवेट कॉलेजेस में ले सकते हो. बट द प्रॉब्लम इज दैट कि वहां की जो फीस होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है. तो अप्रोक्सीमेटली 85 लाख रुपीज 4.5 साल का आपको लग जाएगा, या तो फिर कह सकते हैं मिनिमम जो भारत देश में अवेलेबल है वो 75 से स्टार्ट होता है, 1 करोड़ 20 लाख तक फीस होती है. और कुछ लोग कुछ इंस्टीट्यूट जो है वो मुझे बताने में शर्म नहीं आती क्योंकि उनको लेने में भी शर्म नहीं आती. तो डोनेशन भी बेस भी होता है बहुत सारी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में, और आपको एडमिशन प्राइवेट इंस्टीट्यूट में इस वे में मिल सकता है. प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेने के लिए लिस्ट के लिए फर्दर आप ऑफकोर्स हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. सो एक एमबीबीएस इंडिया की प्रोसेस जो होती है वो फॉर एग्जाम्पल काफी स्टूडेंट्स गुजरात से जो जुड़े हुए हैं वो उनके पेरेंट्स भी फोन करके हमें पूछते हैं कि सर हमें हमारी सिटी में एडमिशन चाहिए, तो कुछ पैसे दे दे, कोई कॉन्टेक्ट लगा ले, कोई एमएलए की जान पहचान हो, तो ऐसा हो सकता है? देखिए कोई भी स्टेट में ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसमें तो 15% सीट ऑल इंडिया कोटा की होती है. नंबर वन. नंबर टू बाकी के 85% का जो एडमिशन होता है वो ऑनलाइन प्रोसेस से होता है, यानी कि अभी आप जाके देख सकते हो कि कहाँ पे किसको कितने मार्क्स में एडमिशन मिला. सो यू मस्ट रिमेम्बर दैट थिंग कि सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है, अदरवाइज देयर इज नो ऑप्शन एट ऑल. ठीक है, और उसकी फीस ज्यादा होती है. तो प्राइवेट कॉलेजेस के लिस्ट एंड द फीस कितनी होती है उसके लिए डेफिनेटली आपको आप हमें कॉन्टेक्ट करेंगे, मैं लास्ट में नंबर शेयर करूंगा आपके साथ, यू कैन कॉन्टेक्ट अस एंड वी विल प्रोवाइड दैट. सो बजट में है तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है सर इतना खर्चा करना चाहिए. देखिए ज्यादा है तो कर सकते हैं आप, यानी कि आपके पास नियर बाय 1 crore 1 करोड़ रुपीस या फिर 80 लाख से 1 करोड़ रुपीस एक्स्ट्रा है क्योंकि फीस सिर्फ 4.5 साल की इतनी हो रही है, तो डेफिनेटली यू कैन मीन्स गो फॉर इट. नजदीक के स्टेट राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, MP सभी जगह पे प्राइवेट कॉलेजेस अवेलेबल है और वहां पे डेफिनेटली आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं. अभी जो बात करने जा रहे हैं वो नेक्स्ट है कि इन केस अगर आपको इतनी फीस पे नहीं करनी है, हो सकता है कि भाई आप जिस राज्य से बिलोंग कर रहे हो, ऑल इंडिया कोटा में 70,000 से ज्यादा आपका मेरिट नंबर है, तो बट ऑब्वियस कि भाई टोटल नंबर ऑफ सीट ही 70,000 भारत देश में, तो आपको नहीं मिलने वाला. आपके स्टेट में जितनी सीट है उससे कम आपका मेरिट नंबर आया है तो डेफिनेटली यू विल गेट. बट हो सकता है अभी आंसर की आपने सॉल्व की, लास्ट 2018-19 के कट ऑफ मार्क्स आपकी कैटेगरी के अनुसार आपने देखे और आपको लग रहा है कि आपको एडमिशन नहीं मिल सकता, या फिर मिल रहा है तो बहुत हाई फीस में मिल रहा है, यानी कि उसकी फीस
15 लाख 14 लाख 16 लाख है और इतने पैसे आपके पास नहीं है तो क्या नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन है वो है एमबीबीएस अब्रॉड। इंडिया में नहीं मिल रहा है तो डोंट चेंज योर चॉइस, आप अब्रॉड भी जा सकते हो। तो वहां पे कुछ पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का मानना होता है, क्वेश्चन होता है कि सर क्या एमबीबीएस अब्रॉड अगर करने जाए तो उसकी वैल्यू जितनी इंडिया में होती है उतनी है या नहीं है, ये बड़ा क्वेश्चन होता है। तो मैं उन पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को ये कहता हूं कि आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हो कोई भी बीमारी के लिए, दिखाने के लिए, डायग्नोस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, तो क्या वो डॉक्टर को पूछते हो कि आपके प्लस टू में कितने मार्क्स थे? क्या आप उनको पूछते हो कि आपकी डिग्री कहाँ से है? कभी भी डॉक्टर्स को ये पूछा नहीं जाता। डॉक्टर्स को यूजली जाना जाता है, पहचाना जाता है ऑन द बेस ऑफ स्किल नॉलेज। और दुनिया की सभी कॉलेजेस में WHO MCI रिकॉग्नाइज हो, वहां पे इंसान के जो दो पैर वाला इंसान है उसकी 12 सिस्टम के ऊपर सब कुछ सिखाया जाता है। अगर स्टूडेंट्स इंडिया में एडमिशन ले चाहे वो अब्रॉड में एडमिशन ले, अच्छे से मेहनत करे, प्रैक्टिकल स्किल अच्छे से डेवलप करे, अच्छे से नॉलेज गेन करे, तो डेफिनेटली वो अच्छा डॉक्टर बन के आएगा। और अच्छा डॉक्टर बन के आएगा तो डेफिनेटली वो इजीली अच्छे प्रैक्टिस करेगा, उसका नाम होगा, और नाम जो होता है उसको तो पैसे देते ही है लोग। तो कहने का मतलब ये कि देर इज नो डिफरेंस एट ऑल। मैंने खुद MBBS अब्रॉड से किया और PG मेरा जो है मुंबई से हुआ है। मेरे साथ मेरे अंडर में 800 डॉक्टर्स ऑल ओवर वर्ल्ड में पढ़ रहे हैं सभी जगह पे। द थिंग इज दैट कि आप अपनी कहते ना कि नॉलेज कहाँ से गेन कर रहे हो, प्रैक्टिकल स्किल कैसे मिल रही है आपको, दैट्स डिपेंड अपॉन द कंट्री एंड दैट्स डिपेंड अपॉन द ऑफकोर्स योर सेल्फ। दूसरा एक क्वेश्चन ये होता है कि सर चलिए MBBS इंडिया में नहीं मिल रहा है या फिर महंगा पड़ रहा है, मैं तो अब्रॉड में जा रहा है। तो देखिए हम जब अब्रॉड जाते हैं तो कौन से पॉइंट्स कंसीडर करने चाहिए, हमें क्या सोच के जाना चाहिए, क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? तो उसके लिए मैं देखिए 6 पॉइंट्स कंसीडर करता हूँ। 6 पॉइंट्स यूजली सभी पेरेंट्स को बताता हूँ कि सबसे पहला पॉइंट जो जानिए वो है फाइनेंस, पैसे। कि जहां भी जा रहे हो उसकी अच्छे से इंफॉर्मेशन लीजिए, सेफ्टी, फूड, एकोमोडेशन, एजुकेशन एंड MCI वैलिड है या नहीं। तो सबसे पहले फाइनेंस की बात, काफी सारे जो भेजने वाले एजेंट्स होते हैं, कंसल्टेंसी होती है, वो कुछ ना कुछ हायर करते हैं और इस वजह से जो आप बजट एक बना के जा रहे होते हैं वो बजट जो है वो ज्यादा पड़ जाता है या फिर वो नहीं रहता। सो यूनिवर्सिटी फीस, कोई भी देश में जाओगे तो हॉस्टल फीस होती है, मेडिकल इंश्योरेंस होता है हर साल, वीजा एक्सटेंशन फीस होती है, डिफरेंट टाइप के खर्चे होते हैं। और हर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल जो वेबसाइट होती है वहां पे सब कुछ मेंशन होता है, आपको सिर्फ एक बार देखना होता है। अगर बात करूं एक फाइनेंस की तो लोएस्ट जो पैकेज होता है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि भी 18 लाख से स्टार्ट हो रहा है और 1.5 CR तक भी जाता है अब्रॉड में, विदेश में। और अगर सिर्फ यूनिवर्सिटी और हॉस्टल फीस की बात करें, लेकिन उसमें सारी चीजें इंक्लूड कर दी जाए, लाइक हॉस्टल, फूड, इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, वीजा, ट्रैवलिंग, मोबाइल खर्चा, आने जाने की टिकट हर साल की आपकी, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द 25 लैक्स टू 2.5 CR, देखिए डिफरेंस कितना हो गया। सो ये पूरा टेबल जो है वो भी आपको व्हाट्सएप से मिल सकता है, हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, एंड ऑफ कोर्स फेसबुक एंड ऑल द थिंग्स। अफोर्डेबल यानी कि फर्स्ट फाइनेंस आता है, जो अफोर्डेबल है यानी वो जानिए। दूसरा सेफ्टी आता है, पर्सनल सिक्योरिटी वाइज, पॉलिटिकल वाइज, एटमोसफियर वाइज, वो देश के साथ व्हाट इज द इंडियन फूड फैसिलिटीज अवेलेबल है या नहीं। कि देखिए हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, हम इंडियन जो होते हैं उनका बेसिकली क्या होता है कि भाई फूड एंड एकोमोडेशन अच्छा मिल जाए तो डेफिनेटली दे कैन मीन्स कॉन्सेंट्रेट इन स्टडी वेल, यानी कि वो अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। सो दैट्स वाई ये दोनों पॉइंट जानना जरूरी होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एजुकेशन, मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बताया, डिग्री इज द पीस ऑफ पेपर, लेकिन उस दरमियान जो आपको पढ़ाया जाएगा वो प्रैक्टिकल स्किल नॉलेज, थियोरेटिकल नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज जो दिया जाएगा वो अगर अच्छा होगा तो डेफिनेटली यू विल बिकम अ गुड डॉक्टर कहीं भी जाके। हो सकता है कि भाई 90% वाला, स्पेशली मैं जो पेरेंट्स यहाँ पे लाइवली सुन रहे हैं उन सभी को मैं कहूंगा कि परसेंटेज मार्क्स एंड ऑल द थिंग्स जस्ट पास्ट, आपके बच्चे का पास्ट है, फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर डिपेंड अपॉन द कहाँ पे जाएंगे, वो कैसे मेहनत करेंगे एंड ऑल द थिंग्स। यानी कि 90% या फिर 720 नीट में से 700 आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो एम्स में जाके
अच्छा डॉक्टर बन जाएगा, हो सकता है कि वो राइट लेग की जगह लेफ्ट लेग पे ऑपरेशन करे, और जिसको 720 में से 300 मार्क्स आए या फिर सिर्फ एलिजिबल मार्क्स आए, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता, वो बन सकता है बिकॉज ऑफ सर्टन सिचुएशन, बिकॉज ऑफ सर्टन प्रॉब्लम्स, शायद हो सकता है उसका कॉन्सेंट्रेशन डाउन हुआ हो, शायद हो सकता है उतनी प्रैक्टिस नहीं हुई हो, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं वो कम मार्क्स आने से आने के, और वो अगर उसके बेस पे अगर आप अपना फ्यूचर डिसाइड करेंगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो सिंपल थिंग इज दैट ऑन द बेस ऑफ नीट मार्क्स यू शुड नेवर डिसाइड कि आपको क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि देखिए 76,000 सीट्स है, उसके सामने 17,00,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दी थी, तो यहाँ पे एक 76,000 सीट किसको दी जाए वो एक सिस्टम डिसाइड करने के लिए एग्जाम है नीट, और उसमें मार्क्स ज्यादा आएंगे उसको सीट मिलेगी। सो एब्रोड जब जा रहे हैं तो डेफिनेटली एजुकेशन कैसा है, कितनी कॉलेजेस, कितना उनके डिपार्टमेंट है, कितनी हॉस्पिटल्स, इवन इंडिया में आपको एडमिशन मिलने वाला हो तो भी ये सारी चीजें आपको जाननी चाहिए कि वहां पे करिकुलम कैसा है, ऑल द थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी पेरेंट्स का ये होता है कि सर देखिए एब्रोड जाने में प्रॉब्लम ये है कि जब हम वापस आते हैं ना तो एक एग्जाम देनी पड़ती है, यानी कि दुनिया में कोई भी देश में आप स्टडी करने जाओ और वापस आना है तो आपको एक एग्जाम देना होता है जिसका नाम है FMGE, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, और वो जो एग्जाम है वो सभी कंट्री के स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है, और ये जो एग्जाम का डर फैला हुआ है पूरे देश में, पूरे लोगों में और नीट के स्टूडेंट्स में जिनको सपना है MBBS डॉक्टर बनना, यहाँ पे एडमिशन नहीं मिल रहा है, विदेश जाना है, तो ऐसे 100 स्टूडेंट सोचते हैं, लेकिन बिकॉज दिस एग्जाम का डर की वजह से 90 नहीं जा पाते, लेकिन उनकी क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं होती है। देखिए ये एग्जाम साल में 2 बार ली जाती है, मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, अनलिमिटेड ट्राई, ऐसा नहीं कि 2 बार ही दे सकते हो, 3 बार ही दे सकते हो, टोटल 300 MCQs पूछे जाते हैं और 150 MCQs सही होने चाहिए, या तो फिर 50% ही मार्क्स लाने, कोई मेरिट लिस्ट नीट की तरह नहीं बनता, नो नेगेटिव मार्किंग, कैन यू बिलीव दिस थिंग, यानी कि नीट एग्जाम से भी इजी एग्जाम होगी, जब नीट जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसका मतलब ये कि सारे क्वेश्चंस अटेंड करके आओगे और एज पर दैट 20% तो लॉजिकली सच्चे होने चाहिए, और 5-6 साल की स्टडी में अगर आपको जहां पे मीन्स सब कुछ फिक्स है, यानी कि कौन से सब्जेक्ट्स के कितने मार्क्स, कितने क्वेश्चंस आएंगे, अगर आप देखा जाए तो इसमें देखिए पिक्चर में, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल 50% 4-5 सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ लिए तो डेफिनेटली यू विल गेट द 150 मार्क्स आउट ऑफ 300, 300 में से 150 मार्क्स बहुत इजीली आ जाएंगे। दूसरी बात यह है कि आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, कल आया था कि अभी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को टेक ओवर कर लिया है नेशनल मेडिकल कमीशन NMC ने, और NMC बिल ऑलरेडी बहुत टाइम पहले पास हो चुका है, और एज पर द NMC बिल भारत देश में जो MBBS चाहे गवर्नमेंट में चाहे कोई भी राज्य में कहीं भी MBBS स्टडी करेंगे उनको कंपलसरी नेक्स्ट NEXT एग्जाम देनी पड़ेगी, यानी कि ये जो FMGE एग्जाम जो अभी तक सिर्फ और सिर्फ एब्रोड से स्टडी करके आते थे उनके लिए थी, अब ये एग्जाम जो है वो इंडियन MBBS डॉक्टर्स के लिए भी कंपलसरी होगी। सो थिंग इज दैट कि चाहे आप इंडिया में करोगे, आप चाहे वो आप एब्रोड में स्टडी करोगे MBBS, आपको ये एग्जाम देनी है और इसमें एलिजिबल मार्क्स लाने ही लाने हैं। सो एग्जाम इज नॉट बिग डील, हमारे स्टूडेंट्स जो जितने भी एब्रोड स्टडी कर रहे हैं उनकी हम मंथली एग्जाम लेते हैं, डेली बुक्स, डेली MCQ शेयर होते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, ताकि स्टूडेंट्स जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें उनका वर्ल्ड क्लास नॉलेज हो और अच्छे से उनका डेवलपमेंट हो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, देखिए एलिजिबिलिटी बात कर लूँ कि भाई MBBS एब्रोड के लिए जो इंडिया में चाहिए वही एब्रोड के लिए चाहिए, यानी 50% इन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नीट में एलिजिबल मार्क्स, बट प्लस पॉइंट ये है इस साल कि अगर आप इस साल नीट में एलिजिबल मार्क्स नहीं ला पाते या तो फिर आप फेल होते या तो फिर आपने एग्जाम नहीं दिए तो भी एक प्लस पॉइंट ये है कि आप अगले साल एग्जाम दे सकते हो एज पर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, उस ऑर्डर की कॉपी भी आप हमारी संस्था को व्हाट्सएप के माध्यम से मंगवा सकते हैं। एज पर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इस साल के लिए ही सिर्फ ये एक प्लस पॉइंट है कि अगले साल आप एग्जाम दे, आप अभी एडमिशन ले लो कहीं भी, लेकिन अगले साल आपको एग्जाम कंपलसरी देनी होगी जो मई मंथ में 2021 में होने वाली, यानी तब आपके एलिजिबल मार्क्स
यू कैन स्टार्ट योर जर्नी एमबीबीएस अब्रॉड और अगले साल आप एग्जाम दे दीजिए और उसमें एलिजिबल मार्क्स लाइए, दैट विल बी द वैलिड. सो दैट्स द प्लस पॉइंट. और काफी कंट्रीज में 60% एलिजिबिलिटी चाहिए होती है, काफी कंट्री में 70%, कुछ कंट्री जो है वो 80% भी लाती है, मांगती है कि भी होने चाहिए 12th में प्लस 2 में. तो कैसे है कोई कंट्री का सिलेक्शन किया जाए, बहुत सारी 208 कंट्री है पूरे देश में, पूरे सॉरी विश्व में, और उसमें से एक कंट्री का सिलेक्शन आपको कौन सी बेस पे करना चाहिए. तो सबसे पहले आप देखिए कि आपकी सेफ्टी उस कंट्री में कितनी है. पॉपुलेशन वाइज वो कंट्री जितना छोटा होगा उतना ज्यादा सेफ होगा, सिक्योर होगा. लिटरेसी रेट जितना ज्यादा होगा तो डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड मेडिकल फील्ड में उस कंट्री का क्या रोल रहा है, पॉलिटिकल कितना स्टेबल है, पॉलिटिकल रिलेशन इंडिया के साथ कैसे है, एटमोसफियर वाइज कैसा है, आपको सुटेबल है या नहीं, वहाँ के लोगों के बिहेवियर के बारे में जानिए क्योंकि आपको उनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, उनके ऊपर सीखना है सब कुछ. जिस सिटी में कॉलेज है उस सिटी का एनवायरमेंट, उनकी सेफ्टी. छोटा सिटी होगा तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जैसे दिल्ली में अगर एमबीबीएस करना है तो ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्ट में टाइम वेस्ट हो सकता है. अगर आप फॉर एग्जांपल छोटे से टाउन या सिटी में काम पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली वो कॉस्टिंग भी कम आएगा, ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्ट में आपका टाइम कम वेस्ट होगा. यूनिवर्सिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे आप कॉलेज में इंडिया में एडमिशन लो या फिर एब्रॉड में एडमिशन लो, तो आपको जानना चाहिए कि वो एमसीआई डब्ल्यूएचओ रिकॉग्नाइज है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, टोटल डिपार्टमेंट्स कितने हैं, कितनी हॉस्पिटल्स है, फीस, फूड, प्रोफेसर्स कितने हैं, टीचिंग मेथड उनकी कैसी है, कितने साल के बाद एग्जाम दी जाती है, सिलेबस कैसा है, लेक्चर कैसे लिया जाता है, प्रैक्टिकल बुक्स मटेरियल, ये सारी चीजें आपको अपने आप से जाननी चाहिए. वाई? बिकॉज एक साइंटिफिकली डेटा आया हुआ है कि भाई 89% स्टूडेंट्स को इंडिया में यही पता नहीं होता है, जिस कॉलेज में जहाँ पे पढ़ रहे होते हैं वहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन उनको पता नहीं होती. और इसलिए मैं कहता रहता हूँ कि भाई अगर आप मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, गुरुद्वारा में जाए, चर्च में जाए और आपको पता ही नहीं कि अंदर कौन है, आप ऑफकोर्स डेफिनेटली विदेश में जाओगे या फिर इंडिया में पढ़ाई करोगे तो आप अंदर पता ही नहीं, इबादत करने जा रहे हो, प्रेयर करने जा रहे हो, तो डेफिनेटली दैट विल नॉट वर्क आउट. तो वो आप अच्छा नॉलेज गेन नहीं कर पाओगे, आपकी उसकी वैल्यू नहीं होगी, तो आप अच्छे डॉक्टर भी नहीं बनोगे. सो दीस आर द थिंग जो आपको एक पॉइंट कंसिडरेशन करना चाहिए. एमबीबीएस इंडिया में करना हो या अब्रॉड में करना हो, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो चेक कीजिए. यूनिवर्सिटी के फोन नंबर होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, ईमेल होते हैं, वो सारी चीजें ट्राई कीजिए, उनको कॉन्टेक्ट कीजिए, जानिए, हो सके तो विजिट भी कीजिए, इंटरनेट पे सर्च आउट कीजिए, पास आउट डॉक्टर से मिलिए, करंट जो पढ़ाई कर रहे हैं उनसे भी बातचीत कीजिए, रिसेंटली जो जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं वहाँ पे, ये सारी इंफॉर्मेशन अपने आप से पूछना चाहिए, जानना चाहिए. एंड देन फॉर एग्जांपल यू शुड गो प्लान फॉर एब्रॉड. पासपोर्ट रेडी रखना चाहिए बिकॉज विदेश में पासपोर्ट जरूरी होता है, कंपल्सरी होता है. कुछ लोग वेट कर रहे होते हैं कि भाई देखो आंसर की तो आई है, अब रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट के बाद सोचेंगे भी काउंसलिंग खत्म हो जाए फिर उसके बाद एडमिशन ले, फर्स्ट राउंड चला जाए फिर उसके बाद एडमिशन ले. ठीक है, इट्स अ वेरी क्लियर एंड कट इंफॉर्मेशन. एमसीक्यूज रिजल्ट का वेट करना वो तो फालतू बात हो गई फॉर एडमिशन इन इंडिया और एब्रॉड बोथ, क्योंकि आंसर की आ चुकी है, आपको पता है कि भी इतने मार्क्स आने वाले. अब लास्ट 2018 का कट ऑफ आपके सामने, 2019 का कट ऑफ आपके सामने और 2020 का कट ऑफ सामने. मैंने ऑलरेडी शेयर किया कि भी लास्ट ईयर 14 लाख स्टूडेंट्स थे और इस साल 17 लाख स्टूडेंट्स थे. स्टूडेंट्स बढ़े हैं, कट ऑफ बढ़ेगा, मेरिट बढ़ेगा, इतने मार्क्स आपके नहीं आने वाले, तो गो फॉर प्राइवेट कॉलेज नंबर वन, गो फॉर एब्रॉड. क्योंकि देखिए 12 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा, फिर आप काउंसलिंग का वेट करेंगे तो इंडिया तो फुल हो ही जाएगा, दूसरा एब्रॉड भी फुल हो जाएगा. क्योंकि जितने इंडिया में पास होने वाले उतनी सीट पूरे जो कंट्रीज की इंफॉर्मेशन में देने वाला हूँ वहां पे नहीं है. तो ये सिचुएशंस हमें सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को समझनी चाहिए. आंसर की इज अवेलेबल, नाउ इट्स टर्न टू चेक इट कि भाई हाँ मुझे इतने मार्क्स मिलेंगे या नहीं. तो मैं कुछ कंट्रीज की अब्रॉड की बात कर रहे थे और उसमें बहुत सारी कंट्रीज है, लेकिन चार कंट्री की इंफॉर्मेशन प्राइमरी आपको देने वाला हूँ. आई गिव यू गारंटी कि देखिए प्रैक्टिकल नॉलेज जो है ना वो कंपैरेटिवली इंडिया से ज्यादा अब्रॉड में अच्छा मिलता है, थियोरेटिकल नॉलेज अच्छा मिलता है. इंडिया में क्या होता है कि 80% स्टूडेंट्स को मेहनत करनी पड़ती है, 20% जो है वो टीचर्स प्रोफेसर को टाइम मिलेगा तो करवाएंगे,
एब्रॉड में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जिसकी बात मैं करने जा रहा हूँ वहां पे 80% मेहनत जो है वो टीचर्स प्रोफेसर्स करते हैं और 20% स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं. रिलैक्सेबल स्टडी होता है. तो थोड़ी इंफॉर्मेशन बताता हूँ, शेयर करता हूँ आपके साथ ताकि आपको पता चले. देखिए अगर आप MBBS करना चाहते हैं बेलारूस में, तो सबसे पहले बात करता हूँ कि बेलारूस जो है ना वो सेंटर ऑफ यूरोप में एक छोटी सी कंट्री है, गुजरात जितनी छोटी कंट्री, 10 मिलियन पॉपुलेशन है, सेंटर ऑफ यूरोप में लोकेटेड है. ऊपर की तरफ रशिया, नीचे की तरफ देखिए यूक्रेन पोलैंड है. एंड इट्स अ वाइट ब्यूटी कंट्री. 99.9 लिटरेसी रेट है, 10 मिलियन ओनली पॉपुलेशन. बेलारूसियन लैंग्वेज है उनकी, एक रूबल इज इक्वल टू 30 इंडियन आरएस. टोटल 4 मेडिकल कॉलेजेस इस देश में अवेलेबल हैं और कहते हैं कि नेचुरल कंप्लीटली 40% लैंड कवर बाय द फॉरेस्ट. तो आप समझ सकते हैं कि भी कितनी ब्यूटी होगी. स्किन हेड प्रॉब्लम नहीं है. पॉलिटिकल हमारे साथ अच्छे रिलेशन है, स्टेबल है. सीजन जो है वहाँ के ऑटम विंटर, विंटर ऑफकोर्स पूरे यूरोप में माइनस में होता है. और आगे बात करूँ तो समर भी वहाँ पे होता है. मैक्सिमम टेम्परेचर इन समर 30 डिग्री होता है, नॉट मोर देन 30 डिग्री, जो इंडिया में यू नो वेरी वेल क्या है. ग्रोदनो जो है उस सिटी के अंदर ये यूनिवर्सिटी आई हुई है जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ. ग्रोदनो सिटी की पॉपुलेशन जो है वो यू कैन सी दैट 1 मिलियन पीपल वहाँ पे है. कल्चर एंड एजुकेशन सेंटर है ग्रोदनो सिटी में. 4 मेडिकल यूनिवर्सिटी अवेलेबल है और मोर देन 40,000 स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ने आते हैं. यानी कि ये जो सिटी है वो लोकेटेड नियर बाय पोलैंड है. पूरी लैंडलॉक कंट्री है, टूरिस्ट प्लेस नहीं है यहाँ पे क्योंकि समंदर नहीं है नजदीक में कहीं भी. एंड सिटी इज अ वेरी सेफ सिक्योर एंड बहुत छोटा सा सिटी है, तो ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्ट में स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट नहीं होता. अभी बात करते हैं ग्रोदनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी. ग्रोदनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो वहाँ की सरकार के द्वारा संचालित सरकारी यूनिवर्सिटी है और 1958 से 62 ईयर ओल्ड. WHO-MCI रिकॉग्नाइज ऑफ कोर्स. 52 हॉस्पिटल्स इनके अंदर में है. 58 डिपार्टमेंट्स. 92 से ये लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं. देखिए काफी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर इंग्लिश मीडियम में स्टडी नहीं होती वहाँ पे. तो देखिए पहली बात तो ये कि हमें कितना इंग्लिश आता है वो आपको पता होगा. भारत देश में जितने भी कॉलेजेस है वहां पे इंग्लिश मीडियम में ही स्टडी है. और मैं जो जो कंट्री की बात करने जा रहा हूँ वहां पे इंग्लिश मीडियम में फ्रॉम द फर्स्ट ईयर टू लास्ट ईयर, फर्स्ट लेक्चर टू लास्ट लेक्चर, ऑल द एग्जामिनेशन, ऑल द प्रैक्टिकल, एवरीथिंग विल बी इन इंग्लिश ओनली. ठीक है. सो 52 हॉस्पिटल्स, 58 डिपार्टमेंट्स, 95 से फॉरेन डिपार्टमेंट, यानी कि 95 से फॉरेन स्टूडेंट्स यानी कि हम जैसे इंडियन स्टूडेंट्स वहां पे पढ़ने जाते हैं. 80,000 से ज्यादा ग्रेजुएट डॉक्टर्स वहां पे बन चुके हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं. 45 डॉक्टर्स ऑफ मेडिसिन, 37 प्रोफेसर्स है वहाँ पे. यानी कि टीचिंग फैकल्टी बहुत ज्यादा है. ऑफकोर्स बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है तो जो आप देख रहे 800 प्रोफेसर, 420 असिस्टेंट प्रोफेसर्स अवेलेबल है ताकि स्टूडेंट्स को अच्छे से प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाए. टोटल 6 साल की स्टडी होती है यहाँ पे कम्प्लीट इन इंग्लिश मीडियम. सबसे प्लस पॉइंट देखिए मैं अभी बेलारूस की बात करने जा रहा हूँ, फिर उसके बाद रशिया की भी बात करूंगा, देन यूक्रेन की, कजाकिस्तान, इन सभी कंट्रीज का सबसे यूरोपियन जो कंट्रीज है, एशियन कंट्री यूरोपियन जो कंट्रीज है उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि वहां पे सभी यूनिवर्सिटी जो है वो गवर्नमेंट की. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, वहां पे जो क्लासेस होते हैं वो ग्रुप में होते हैं, यानी कि एक क्लास में सिर्फ 10 स्टूडेंट्स होते हैं. वहां की मार्किंग सिस्टम जो होती है वो डेली बेसिस होती है, यानी कि डेली मार्क्स का एक अंश लिया जाता है फाइनल एग्जाम में, यानी कि एक एवरेज मार्क्स लिया जाता है कि भाई इन्होंने डेली कितनी मेहनत की. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज की भी वहां पे प्राइवेटाइजेशन नहीं है. कोई भी हॉस्पिटल प्राइवेट नहीं है, कोई भी कॉलेज प्राइवेट नहीं है. सो एक करप्शन फ्री एनवायरमेंट मिलेगा स्टूडेंट्स को. सभी गवर्नमेंट बाय गवर्नमेंट है तो ऑफकोर्स स्टूडेंट्स को थियोरेटिकल नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगा एंड स्टूडेंट्स कैन लर्न मोर. तो दैट्स द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे. देखिए यहाँ पे भी मैंने स्टडी करवाया है मेडिकल कॉलेजेस में, एब्रॉड में भी स्टडी करवाया, लेक्चर्स लिए है. आई नो कि भाई कहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा मिलता है. यहाँ पे जो MBBS के स्टूडेंट्स होते हैं उनको ज्यादा इतना नहीं मिलता, लेकिन जो इंटर्नशिप होता है उसमें डेफिनेटली पेशेंट रेशो ज्यादा है तो इंडिया में ज्यादा प्रैक्टिस मिलती है. बट यूरोपियन कंट्री स्पेशली जो मैं बेलारूस की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे 6 साल का कोर्स है, एक क्लास में सिर्फ 10 स्टूडेंट्स, टेक्निकल थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज इनफली मिलता है स्टूडेंट्स को.
enough library means more than 420,000 books English में available है. Computer library होती है जहाँ पे means PDF file, lectures, video lectures free of cost students download कर सकते हैं. Hostel, तो hostel जो है चार hostel है university के अंदर में और रहने की facility you can see कि भी flat type available है. इसमें एक छोटा room, एक बड़ा room, two room, four room, four person sharing, toilet, bathroom and kitchen attached. और ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं वो वहाँ की यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, यानी कि स्टूडेंट्स को कोई भी चीजें लेके जानी नहीं होती है. सो दैट्स द प्लस पॉइंट. कैंटीन अवेलेबल है, इंडियन फूड्स अवेलेबल है बाय द इंडियन कुक, डिफरेंट डिफरेंट इंडियन कल्चरल प्रोग्राम्स भी इस यूनिवर्सिटी में होते हैं. काफी पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स भी विजिट करने जाते हैं वहाँ पे. और ऑलरेडी आई मीन्स कह सकता हूँ कि मोर देन 300 स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस यूनिवर्सिटी से पास आउट होके एज ए डॉक्टर इन इंडिया दे आर वर्किंग. मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीस की बात करें तो हर साल आपको 3 लाख फीस पे करनी है और वो भी आप 2 इंस्टॉलमेंट में डायरेक्टली टू द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पे कर सकते हैं. हॉस्टल फीस मंथली 5,600 रुपये ओनली है और मेडिकल इंश्योरेंस, ये सारी चीजें आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को हर साल पे करेंगे. अगर आप ये सारी चीजें काउंट करें तो अप्रोक्सीमेटली आपका जो खर्चा होगा वो 23 लाख रुपये, 43,600 रुपये होगा. और सब कुछ मिला है, आने जाने का टिकट एंड ऑल द फूड एक्सपेंस, छोटा मोटा मोबाइल का खर्चा, तो 30 लाख रुपए में, 30 लाख रुपीज में आपका कंप्लीट जो है वो स्टडी खत्म हो सकता है. नेक्स्ट, बेलारूस के नीचे एक यूक्रेन कंट्री है उसकी बात करने जा रहा हूँ. यूक्रेन के अंदर आप एमबीबीएस कर सकते हैं. यूक्रेन का जो कैपिटल है वो कीव है और ऊपर की तरफ रशिया, यहाँ पे देख रहे हैं आप जिसकी बात कर चुके हैं बेलारूस, इसके बाद हम रशिया की बात करेंगे. यहाँ पे रोमानिया है और ज़ैपोरोजिया के अंदर जो ज़ैपोरोजिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसकी बात करने वाला हूँ. सो दिस इज द कीव एंड ज़ैपोरोजिया. बट लेट्स सी, पहले थोड़ा बहुत यूक्रेन के बारे में बता दू. यूक्रेन जो है यूरोपियन खंड में आया हुआ देश है और कीव उसके कैपिटल है. 99.4% उनकी लिटरेसी रेट है, यूक्रेनियन उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है और 1 यूक्रेनियन हैंड्रिया इज इक्वल टू 2.45 इंडियन रुपीज. टोटल मेडिकल कॉलेजेस 30 है, यू कैन अंडरस्टैंड 30 कॉलेजेस है यूक्रेन के अंदर. लिटरेसी रेट में बता चुका हूँ, सेम लाइक बेलारूस, ऑटम विंटर एंड समर. काफी पेरेंट्स ये कहते सर यूरोप में तो ठंड होती है, तो भाई इंडिया में गर्मी होती है तो वहां पर ठंड होती है. माइनस में ऑफकोर्स यूक्रेन में, रशिया में, सभी जगह पे माइनस में जाता है टेम्परेचर, लेकिन नो नीड टू वरी बिकॉज सेंट्रली हीटिंग सिस्टम होती है वहां पे सारी. और स्टूडेंट्स को जब बाहर निकलता है तो विंटर क्लोथ्स पहन के निकले तो देर इज नो इशू. बाकी टॉयलेट, बाथरूम, किचन कहीं भी जाए तो वहां पे सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है और स्टूडेंट्स को विद इन कहीं भी बिल्डिंग के अंदर है तो कहीं भी ठंड नहीं लगेगी. अच्छे रिलेशन, पॉलिटिकल स्टेबल है, हमारे उनके साथ अच्छे रिलेशन है. ज़ैपोरोजिया सिटी जो है वो आप देख सकते हैं मैप में, कीव कैपिटल, दिस इज यूक्रेन और यहाँ पे आया हुआ है सिटी. और सिटी के अंदर मेडिकल यूनिवर्सिटी आई हुई है. ये जो सिटी है अगेन छोटा सा सिटी है, पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो 7,38,000 ओनली पॉपुलेशन. और ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्ट में स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट नहीं होगा, सेफ है, सिक्योर सिटी है. ये जो सिटी है उसके फोटोग्राफ्स आप पिक्चर में देख रहे हैं. अब बात करते हैं इस सिटी में अंदर आई हुई ज़ैपोरोजिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की. तो ये जो यूनिवर्सिटी है वो 1903 से 117 साल पुरानी कॉलेज है, रिकॉग्नाइज्ड बाय MCIWHO एंड रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ यूक्रेन, यानी कि प्राइवेट कॉलेज नहीं है. 68 डिपार्टमेंट है, 5 हॉस्पिटल है, 12,700 स्टूडेंट्स जो है वो अभी पढ़ रहे और मोर देन 1,000 उस कॉलेज में इंडियन स्टूडेंट्स वहां पे अवेलेबल है. ग्रोधनो की जो बात की थी, बेलारूस की जो बात की थी, वहां पे अभी 380 से ज्यादा स्टूडेंट्स अवेलेबल है पढ़ रहे हैं और उसमें मोर देन 200 तो गुजराती है. यहाँ पे 676 फैकल्टीज, 125 डॉक्टर्स ऑफ साइंस, 4 प्रोफेसर्स, इतनी सारी टीचिंग फैकल्टीज अवेलेबल है कि जो आपको स्टडी करवाएंगे. सेम अगेन लाइक बेलारूस मैंने बताया कि जहाँ पे थियोरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज एंड ऑफकोर्स टेक्निकल नॉलेज मिलेगा बिकॉज गवर्नमेंट एंड ग्रुप सिस्टम होती है. एक क्लास में सिर्फ 10 स्टूडेंट्स होता है, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है उनकी, इंग्लिश मीडियम में एवरीथिंग है. 6 साल में इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल एवरीथिंग विल बी फिनिश. यहाँ पे आके एग्जाम दो और लाइसेंस मिलेगा क्योंकि अभी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने विदेश अगर आप इंटर्नशिप करते हो तो दैट्स अलाउ इन इंडिया नाउ ऑफिशियली, यानी कि इंडिया में आपको करने की जरूरत नहीं है. ज़ैपोरोजिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी मोर देन 3 लाख इंडियन
बुक्स या फिर इंग्लिश में बुक्स अवेलेबल है जो स्टूडेंट्स यूज कर सकते हैं. स्टूडेंट्स की हॉस्टल जो सीसीटीवी फुटेज 24/7 हॉट वाटर कोल्ड वाटर अवेलेबल. यू कैन सी द फोटोग्राफ्स ऑफ द हॉस्टल जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं. एक्सेप्ट दैट स्टूडेंट्स जो है वो स्पोर्ट कल्चरल एक्टिविटीज जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी में होती है वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं. काफी स्टूडेंट्स दो साल अपना दिमाग खराब कर चुके होते हैं नीट एग्जाम के पीछे और थक गए होते हैं और बिकॉज ऑफ दैट रीजन वो सोचते हैं कि भाई एमबीबीएस में स्टडी करना इतने साल अभी और स्टडी करो. देखो ऐसा नहीं होता है. चाहे कोई भी कोर्स में एडमिशन आप लोगे तो नियर बाय 2 आवर्स स्टडी करनी पड़ेगी और यूरोप के जितने भी देश है वहां पे एमबीबीएस स्टडी के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 दिन होते हैं. सैटरडे संडे छुट्टी होती है और वहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं ऑलराउंडर होते हैं आप देख रहे हैं सारे फोटोग्राफ्स में. तो फीस की बात करें 3,15,000 रुपए फीस होती है हर साल जो आप 2 इंस्टॉलमेंट में डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के अकाउंट में आपके नाम से ट्रांसफर कर सकते हैं. हॉस्टल फीस 56,000 ईयरली है और मेडिकल की और अदर खर्चे अगर देखा जाए तो 14,000 रुपए आपके और ये सारे जो खर्चे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं दैट यू कैन पे डायरेक्टली टू द यूनिवर्सिटी. देन बात करते हैं तो वो है 25 लाख रुपीज टोटल पैकेज होगा आपका 6 साल का पढ़ने का खर्चा और ये सारा जो खर्चा है वो आप डायरेक्टली टू द यूनिवर्सिटी पे कर सकते हैं और वो भी इंस्टॉलमेंट में. अगर आपको लोन चाहिए तो इसकी कोई भी कॉलेज जो होती है उसकी फीस स्ट्रक्चर जो मैं दिखा रहा हूँ उसमें आप 85% लोन ले सकते हो. और नो नीड टू वरी आफ्टर सेमिनार आपको जो व्हाट्सएप नंबर शेयर करूंगा उसके ऊपर आप मैसेज करेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन बाय व्हाट्सएप हम भेज देंगे जो मैं अभी आपको प्रेजेंटेशन से दिखा रहा हूँ. रही बात रशिया की तो रशिया आप यू नो वेरी वेल किस लार्जेस्ट कंट्री बिगेस्ट कंट्री है ब्यूटीफुल कंट्री है यूरोप के अंदर आए हुए है. मॉस्को उसका कैपिटल है. 14.45 करोड़ उनकी आबादी है. रशियन लैंग्वेज बोली जाती है मेनली ऑफिशियल लैंग्वेज. 57 मेडिकल कॉलेजेस इस कंट्री में अवेलेबल है. सो इट्स अ क्वाइट बिग कंट्री और उसके अंदर जो बात आ रही है मेडिकल पॉलिटिकल रिलेशन हमारा अच्छा है उनके साथ. ऑटम विंटर अगेन समर. सार्वोपोल करके एक जगह है सिटी है और उसके अंदर जो यूनिवर्सिटी आई उसकी इंफॉर्मेशन देने से पहले जो ये सिटी है सार्वोपोल उसकी बात करता हूं मैं. तो सार्वोपोल जो सिटी है वो 2.7 मिलियन पॉपुलेशन ओनली एंड बहुत छोटा सा सिटी है कंपेरेटिवली एंड बिजनेस सेंटर भी माना जाता है कल्चर सेंटर भी माना जाता है रशिया का. इस सिटी के अंदर जो यूनिवर्सिटी आई हुई है उसका नाम है सार्वोपोल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और ये यूनिवर्सिटी जो है वो 1938 से गवर्नमेंट चल रही है एंड यानी कि 82 ईयर ओल्ड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज WHO रिकॉग्नाइज. टोटल 40 डिपार्टमेंट्स है. 2005 से ये लोग इंग्लिश मीडियम में स्टडी करवा रहे हैं. मॉडर्न डायग्नोस्टिक एंड मॉडर्न फैसिलिटीज में ये बहुत पॉपुलर है यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग दिस इज यू कैन सी. टोटल 40 डिपार्टमेंट्स है. 32 प्रोफेसर 56 कैंडिडेट ऑफ साइंस 29 एसोसिएट प्रोफेसर यानी दे हैव आल्सो बिग नंबर्स ऑफ फैकल्टीज की जो आपको पढ़ा पाए. 6 साल का कोर्स होता है कम्प्लीटली इन इंग्लिश मीडियम. अगेन एक क्लास में सिर्फ और सिर्फ 10 स्टूडेंट्स होते हैं. तो दिस इज द प्लस पॉइंट ऑफ यूरोप स्टडी की जहाँ पे स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली एक टीचर का कम्प्लीटली फोकस मिलता है और डाउट क्लियर कर पाते हैं. दिस इज द लेक्चर रूम जो आप देख रहे हैं. लाइब्रेरी एंड स्टडी जो है बुक्स इनफ अवेलेबल है. हॉस्टल रहने के लिए 5-स्टार फैसिलिटीज के साथ जो इंडिया में पॉसिबल ही नहीं है कि इतनी अच्छी होटल्स आप हॉस्टल्स जो है वो आपको मिल पाए. इंडियन फूड्स इंडियन डिशेज एंड कल्चर प्रोग्राम इंडियन कल्चर प्रोग्राम डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्ट एक्टिविटीज ऑल्सो अवेलेबल इन रशिया. 2,80,000 ओनली फीस है और 56,000 रुपीज आपको ईयरली पे करना है हॉस्टल फीस जो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को आप पे कर सकते हैं. और यहाँ पे द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट 20 लाख रुपीज में ओनली 20 लाख रुपीज में आपकी स्टडी कम्प्लीट हो सकती है. एंड नेक्स्ट कंट्री इज द कजाकिस्तान. लोग ये सोचते हैं कि भाई कजाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम रहते हैं ये है वो. ऐसा कुछ नहीं है. रशिया के एग्जैक्टली नीचे वहाँ पे 60% लोग रशियन बोलते हैं. 60% रशियन कल्चर से बिलोंग करते हैं जो ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं. बात करते हैं तो 18 मिलियन पॉपुलेशन ओनली 99.8 लिटरेसी रेट. कैपिटल जो है उसका आगे देख रहे हैं आप पिक्चर्स में. दिस आर द कंट्रीज सम ब्यूटीफुल पिक्चर्स. पॉलिटिकल स्टेबल है. हमारे साथ उनका बहुत अच्छा पॉलिटिकल रिलेशन है. नेक्स्ट बात करें तो
सेम लाइक रशिया बेलारूस और यूक्रेन की तरह ऑटम विंटर एंड समर वहां पे होता है. अलमाटी सिटी जिसके अंदर कॉलेज आई हुई है कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी. अलमाटी जो सिटी है इट्स अ कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान. 1854 में फाउंड हुआ है. काफी पुराना सिटी है. हिल स्टेशन जैसा दिखता है फोटोग्राफ्स में. एंड इट्स अ सिटी ऑफ कल्चर बिजनेस एंड ऑफ कोर्स कैपिटल तो यू कैन अंडरस्टैंड. यहाँ पे जो नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है ये कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी उसकी बात करें तो 90 साल पुरानी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है. इंडियन स्टूडेंट्स अभी फिलहाल 700 से ज्यादा वहां पे पढ़ रहे हैं. 7 एकेडमिक बिल्डिंग है. 31 स्पेशलिटी और कहते हैं कि 200 से ज्यादा डॉक्टर्स ऑफ साइंस है. ये फैकल्टीज है जो आपको पढ़ाने वाली, यानी कि इतने नंबर्स ऑफ फैकल्टीज वहां पे अवेलेबल है. और अगेन लाइक रशिया बेलारूस एंड यूक्रेन ग्रुप ट्यूशन होता है वहां पे और एक क्लास में सिर्फ और सिर्फ 10 स्टूडेंट्स. प्लस पॉइंट कजाकिस्तान का ये है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 साल की स्टडी है. फर्स्ट टू फिफ्थ ईयर एवरीथिंग इन इंग्लिश मीडियम. और आप कहते ना कि यू कैन सी द फोटोग्राफ्स के भी किस वे में, यानी कि फ्रॉम द फर्स्ट ईयर यहाँ पे मेडिसिन ही पढ़ाया जाता है. कोई भी कुछ लोगों की मान्यता होती है कि यहाँ पे क्या पढ़ाया जाता होगा एंड ऑल द थिंग्स. तो दिस इज द मेन बिल्डिंग ऑफ द कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड रीडिंग लाइब्रेरी बुक्स हॉस्टल में फैसिलिटीज ऑल द थिंग्स अवेलेबल. लाइक मैंने बताया कि भाई हमारी जो संस्था है ओमेडकॉन, वी आर डीलिंग नॉट विद द एडमिशन ओनली, वी आर डीलिंग विद द एडमिशन टू द डिग्री, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन तक पहुंचो वो हमारा मेन गोल होता है. एंड दैट्स व्हाई हम इंडिया में ही नहीं, अब्रॉड में जहां पे आप जाते हो हमारे थ्रू, वहां पे भी हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव के हो और हम लोग वहां पे भी सपोर्ट करते हैं. और उसके बारे में मैं जस्ट 2 मिनट में बताने वाला हूँ. लेबोरेटरी अगेन थियोरेटिकल प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो डेफिनेटली विल गेट द ऑल अदर नॉलेज ऑल्सो. काफी आपको प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन नॉलेज भी मिली जाएगी. कजाक नेशनल यूनिवर्सिटी में भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं. पेरेंट्स भी विजिट करते हैं. एंड द फीस की बात करें तो 3,29,000 एंड 24,500 आपकी रहेगी हॉस्टल फीस. तो टोटल आपका यहाँ पे जो है 17,67,000 में खत्म हो जाएगा स्टडी. 17,67,000 में ओनली. एंड दैट आप जो है वो इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं और इसमें से 80% आपको लोन भी मिल सकती है. फिलीपींस जो है वी नो वेरी वेल की भी एशियन कंट्री मानी जाती है. फिलीपींस मलेशिया एंड इंडोनेशिया के सराउंडिंग में आया हुआ एक देश है. टापू है. काफी ब्यूटीफुल जगह है. टूरिस्ट प्लेस माना जाता है. पॉपुलेशन जो है वो 10.6 करोड़ पॉपुलेशन है. 98.2 लिटरेसी रेट है. काफी इंडियंस वहाँ पे रहते हैं. वी ऑल नो अबाउट द फिलीपींस और काफी सालों से हमारे रिलेशन जो है पॉलिटिकली स्टेबल है वहाँ पे. अच्छे है कंपेरेटिवली अदर कंट्रीज. सीजनल ऑफकोर्स इंडिया की जैसी सीजन है. समंदर के किनारे आया हुआ एशियन एशिया में आया हुआ देश है तो डेफिनेटली वहाँ पे एक टापू है और उस टापू के अंदर जो है यूनिवर्सिटी, उस टापू की जो पॉपुलेशन है 1,71,000 ओनली. और वहां पे जो यूनिवर्सिटी आई है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जहां पे आप एडमिशन ले सकते हो, इसका नाम लीशियन नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी. अब इस यूनिवर्सिटी में जो है वो 5.5 साल का कोर्स होता है जिसमें आपको 1.5 साल बेसिक साइंस और उसके बाद प्योरली MD कोर्स होता है 4 साल का. यानी कि 1.5 साल बेसिक साइंस का कोर्स करना है, फिर उसके बाद 4 साल का आपको कोर्स करना होगा वो है मेडिसिन का. और उसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि 1 साल का कोर्स आप इंडिया में ही स्टडी कर सकते हो. और अभी वहां पे क्या इम्पोर्टेंट हो गया है कि फिलीपींस में अभी NMET की एग्जाम तो 1.5 साल के बाद थी वो निकल चुकी है. यानी अगर आप MCI में सॉरी नीट एग्जाम नहीं दी है, फेल हुए या फिर कम मार्क्स आए, तो आप यहाँ पे स्टडी करोगे 1 साल तो आप अगले साल अपीयर हो सकते हो नीट एग्जाम में, क्योंकि आप इंडिया में ही होंगे. और नीट एलिजिबल मार्क्स आए तो भी अच्छा है. नहीं ज्यादा मार्क्स आए तो आप यहाँ पे एडमिशन वो स्किप करके यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो. तो लीशियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे अगेन इट्स अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑफकोर्स, बट WHO MCI रिकॉग्नाइज. ऑलरेडी मोर देन 700 स्टूडेंट्स वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं. काफी स्टूडेंट्स जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से अवेलेबल है. ऑल द फैसिलिटीज एवरीथिंग एवरीवेयर इज अवेलेबल. तो मुझे स्पेसिफिकली बताने की जरूरत नहीं है. फूड हॉस्टल एकोमोडेशन प्रैक्टिकल नॉलेज हॉस्टल के साथ उनका टाइप है. अमेरिकन सिस्टम बेस्ड वहाँ पे स्टडी होती है. यानी कि स्टूडेंट्स जो प्लानिंग कर रहे हैं कि फ्यूचर में मुझे
यूएस से सेटल डाउन होना है तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ स्टडी जो है वो यूएस से बेस्ड है. अगर माना जाए तो गिना जाए तो टोटल जो फीस स्ट्रक्चर है वो वहाँ पे आपको 16 लाख रुपीज फीस होगी और नियर बाई 25 लाख में आपका सारा इंक्लूडिंग एवरीथिंग फूड हॉस्टल एकोमोडेशन विल बी फिनिश. और इस वे में आपको इंस्टॉलमेंट में डायरेक्टली टू द यूनिवर्सिटी पे कर सकते हो. अभी आगे बात करूं तो दिस आर द मेन थिंग जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो रोल बताया. हमारा ओमेजुकॉन का रोल होता है आपको कंप्लीटली गाइडेंस देना, काउंसलिंग करना, आपका पासपोर्ट, इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, वीजा फाइल, आपको वहाँ की सारी प्रिपरेशन करवाना. स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के ग्रुप बनते हैं, उसमें डेली अपडेट्स बनती है. जाने से पहले ऑल द इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट, कपड़े, क्या क्या चीजें लेके जानी है. वहाँ पे जितने स्टूडेंट जाएंगे जिस जिस कंट्री में, उन स्टूडेंट्स के साथ हमारे रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं. मैं खुद भी विजिट करने काफी कंट्रीज में जाता हूँ. हमारे टीम मेंबर्स है वो स्टूडेंट्स के साथ जाएंगे. कुछ पेरेंट्स भी बिफोर विजिट के साथ जाते हैं. कोई पेरेंट्स होते हैं वो स्टूडेंट्स से पहले भी जाना चाहते तो दैट्स ऑल्सो पॉसिबल. और द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हमारा काम है एडमिशन से लेके स्टूडेंट्स की वहाँ पे टेक केयर करना, उनको फूड एकोमोडेशन, अच्छा सा अच्छा एजुकेशन मिले, प्रैक्टिकल नॉलेज मिले, उनको छोटी मोटी कोई भी प्रॉब्लम है तो लोकली हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो हॉस्टल में ही रहते हैं ताकि स्टूडेंट्स को कोई भी इश्यूज ना हो. तो सिंपल थिंग इज दैट कि आपको अगर MBBS में इंडिया में एडमिशन नहीं मिल रहा है तो आप एब्रॉड में जा सकते हो. और अगर कहते हैं कि आपको फाइनेंशियली अफोर्डेबल नहीं है यहाँ पे इंडिया में तो भी आप एब्रॉड में फाइनेंशियली अफोर्डेबल के साथ, अच्छी स्टडी के साथ, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ आगे बढ़ सकते हो. और उसके लिए ऑफकोर्स बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है. आप हमारी ऑफिस पे भी आ सकते हैं. इसी वे में हमारा जो ऑफिशियल काउंसिलर है वो आपके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अगर आप नहीं आना चाहते बिकॉज ऑफ दिस COVID-19 कोरोना वायरस, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपको पूरी पूरी एक कंट्री का एक एक घंटे तक पूरा ऑफिशियली वीडियो के साथ सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं. नेक्स्ट संडे फिर से एक सेमिनार है जिसका नाम है MBBS एब्रॉड ओनली, और जिसमें मैं पूरा एक घंटा 1 आवर आपको सिर्फ और सिर्फ MBBS एब्रॉड के फैक्ट्स, कौन सी कंट्री सही है, वहां पे क्या होता है, ऑल द वीडियोस मटेरियल्स के साथ आपके साथ जुड़ूंगा. आज का ये वेबिनार आपको कैसा लगा वो डेफिनेटली प्लीज हमारा जो व्हाट्सअप है और फेसबुक है और डिफरेंट डिफरेंट माध्यम जो यहाँ पे हम अवेलेबल है आपके साथ जुड़े हुए हैं वहां पे बताइएगा. एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंट्री, इंडिया एडमिशन, प्राइवेट कॉलेजेस, इस साल का कट ऑफ, एब्रॉड एडमिशन, एब्रॉड के बारे में जो मैंने बात की वो सारी चीजें अगर आपको व्हाट्सएप पे चाहिए तो ये रहा नंबर आपके सामने और उस पर आप कॉन्टेक्ट कीजिए. डेफिनेटली सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी. एक्सेप्ट दैट हमारी जो वेबसाइट है इसके ऊपर भी MBBS इंडिया, MBBS एब्रॉड, क्योंकि आज उसका आज वो टॉपिक है तो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है. गुजरात की इंडिया एडमिशन प्रोसेस और डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज कौन से अवेलेबल है, उसका कट ऑफ क्या रहेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ एंड दैट्स अवर अवेलेबल ऑन अवर यूट्यूब चैनल. सो आप वो पुराने वीडियो भी देख के बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो. इंडिया में एडमिशन आपको चाहिए या फिर एब्रॉड में चाहिए, कोई भी कंट्री में अगर आपको कैरियर बनाना, एजुकेशन बनाना, omeducon इज ऑलवेज विथ यू. चाहे आप कहीं भी जर्नी करो, कोई भी कोर्स में करना चाहते हो, वी विल विथ यू एंड डोंट वरी. जस्ट आपको कॉन्टेक्ट करना है एंड वी विल प्रोवाइड यू दैट फैसिलिटीज. या तो फिर आप एनी टाइम मॉर्निंग 10 टू इवनिंग 7 में हमारी ऑफिस जो अहमदाबाद में, वहां पे विजिट कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो. यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑल्सो डायरेक्टली विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. सो थैंक यू वेरी मच. आपने बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, स्टार्टिंग से एंड तक मुझे आराम से बिना कोई इंटरप्शन मुझे सुना. आई होप कि ये जो वेबिनार था, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की MBBS इंडिया एंड MBBS एब्रॉड की, वो आपको कहीं ना कहीं यूजफुल होगी. आप किसी ना किसी को हेल्प कर पाएंगे अपनी लाइफ में. आपके जितने भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, आप व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर ऑडियो से, मैसेज से, टेक्स्ट से, फेसबुक के माध्यम से आप डेफिनेटली भेजें और हम आपके साथ, मैं खुद आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चंस का आंसर दूंगा. थैंक यू वेरी मच. मिलेंगे फिर नेक्स्ट संडे 9:30 बजे एक नए टॉपिक के साथ, और उस टॉपिक का नाम मैं आपको बता चुका हूँ, MBBS इन एब्रॉड. थैंक यू वेरी मच.